तीन चार पाँच आगे क्या होगा, समझ में आया? बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए इसके लिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सात क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ये आठवां क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चल सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे जो आपको बताए हैं उसको सोचना है, बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है डिवाइड हो रहा है स्क्वायर हो रहा है क्यूब हो रहा है, सोचना है ये ऑप्शन से, सोचिए क्या आंसर आएगा सर। करना क्या बोले हैं, सबसे पहले देखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो बोले हैं कि या तो प्लस होगा या तो इनटू होगा, तो प्लस इनटू का डिसीजन कैसे लेना है, बीच में देखना है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इनटू और थोड़ा कम कम बढ़ेगा तो प्लस। आ रहा समझ में? बताइए यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, दो, यहाँ का डिफरेंस पाँच, यहाँ का दस, यहाँ का नहीं पता है, हाँ और यहाँ का भी नहीं पता, सही है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो तीन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप सोचेंगे आगे सात बढ़ रहा होगा, है कि नहीं, सात बढ़ेगा तो कितना होगा, सात बढ़ेगा तो आगे नौ बढ़ना चाहिए क्योंकि ऑड नंबर चल रहा है, ऑड यहाँ पे कितना बढ़ा, तीन पाँच सात नौ, हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ सात बढ़ा तो यहाँ नौ बढ़ेगा तो कितना होगा। अब पहले चेक कीजिए सही कि गलत, डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना, जब सत्रह जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इकतालीस, और 41 में 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सड़सठ, सही है, इसका मतलब सही पुट कर दिए, मेरा आंसर कितना हो गया 41, समझ में आया। किसी किसी को दिक्कत होगा तो एक स्टेप या नीचे ले लेंगे, यहाँ का डिफरेंस तीन, यहाँ का डिफरेंस पाँच, तो आगे बोलेगा सात, और किसी को जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट देख सकते हो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, क्यों हो, ध्यान से समझिएगा, आप बोलेंगे घट रहा है ना, घटेगा तो क्या करना है, या तो डिवाइड या तो माइनस, तो देखिए ज़्यादा घट रहा है कम कम, इसका मतलब माइनस हो रहा है, तो डिफरेंस लीजिए, यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, दस दिख रहा है, बहुत अच्छा, चलिए यहाँ का डिफरेंस कितना, आठ, तो आप सोचेंगे दस आठ छः सोचेंगे ना, तो अपने से नहीं सोचना, अभी पहले इसको नहीं पता तो छोड़ दीजिए, यहाँ भी नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ देखिए तब कुछ दिखेगा आपको, यहाँ कितना दिख रहा है। अब आप सोचिए अगर ये 10 8 अगर 6 होता तो यहाँ 4 यहाँ 2 ऐसे होता, आ रहा समझ में। आगे इसको पहले पैटर्न को पूरा देखिए कि 10 है या 8 है, आपको लग रहा है यहाँ 6 होगा तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ वापस फिर वापस क्या आ गया 10, इसका मतलब क्या समझ में आया कि घट नहीं रहा है ये, तो 10 8 10 8 10, ये पैटर्न सही है, 10 8 10 8 10, इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 रखेंगे यहाँ 8 रखेंगे चेक करते हैं सही गलत, यहाँ 10 है तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 घटेगा तो 61, इसमें 8 घटेगा तो 53, देखिए मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है, इसका मैच हो गया, इसका मतलब आंसर कितना होगा 61, समझ में आ रहा है। आगे जितना भी क्वेश्चन होगा सोचना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर यहीं पर डिसाइड कर लेना, डिसाइड नहीं करना कभी भी, पहले पूरा देख लेना है, समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है वो अच्छे से देखिए, बहुत आसान है, बहुत साधारण है, सही तरीका अगर नहीं पता होगा तो सीरीज बहुत हार्ड लगता है, और नहीं तो सीरीज बहुत आसान लगता है अगर सही तरीका पता चल जाए तो। आप गौर से देखिए, आप समझ नहीं पा रहे, फोकस लगाइए, अगर अभी नहीं समझा ना तो अभी कैमरा उधर घुमा देंगे पक्का। पहले ये देखिए जो बोल रहा सुनना, सीरीज बढ़ रहा कि घट रहा, बढ़ता तो क्या सोचते हम, हाँ ठीक, डिसीजन लेना है कहाँ देख के, बीच में, तो यहाँ देख लिए हम, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनटू हो रहा है या प्लस हो रहा है, इनटू हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको इनटू करना है, हम बोले थे जब भी इनटू करेंगे तो स्टार्ट से करेंगे या बीच से करेंगे, तो बीच से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, देखिए शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, 29 से 60 जाना है, तो 29 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 29, दो बार पढ़ेंगे तो 58, दो बार में 58 पहुँच जाएंगे, और 60 जाने के लिए और दो चाहिए हमको, है कि नहीं, फिर अब और आगे देखते हैं, 60 से 123 जाना है, 60 से कहाँ जाना है, तो 60 से एक बार में 60, दो बार में 120, तो दो बार में हम नज़दीक पहुँच गए कि नहीं, लेकिन हमको प्लस क्या करना पड़ेगा, तीन, तो पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि गुना दो, लेकिन यहाँ पे प्लस दो, यहाँ प्लस, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे देखने के लिए एक बार आप पीछे देख लीजिए ताकि ये पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है ना,
बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलेंगे 14 से 29 जाना है, तो गुना दो करेंगे तो 28 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि गुना दो ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इनटू कितना हो रहा है, लेकिन प्लस हो रहा है 1, 2, 3, 4। तो हम बोलेंगे पैटर्न है इनटू 2 और प्लस 4। आगे बोलेंगे तो क्या होगा, इनटू 2 और प्लस, तो हमको यहाँ तक तो जाना नहीं है, हमको यहाँ चेक करना है 123 का डबल कितना होता है 246 और 4 जोड़ेंगे तो 250 और चेक करना है तो चेक कर लीजिए 250 का डबल 500 और 5 जोड़ेंगे तो 505। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोलिए सबका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको आसान लग रहा है, तो फिर से अगला क्वेश्चन देते, सोचिए आप, देखिए अभी नहीं हो जाएगा तब, फोकस समझिए, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, आप लोग भी वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन बनाएंगे आप लोग में, चलिए आप बनाइएगा, आइए जो पहले आंसर दिया पहले वही बनाएगा, चलिए आप इसको सॉल्व करके दिखाइए कि कैसे बनेगा, देखिए आप लोग समझिए, सब कोई बोलना है साथ साथ में, इसको लगा लीजिए, बोलिए आराम। 24 × 2 = 48 और यहाँ प्लस 3 हो रहा है 51, 51 × 4 = 204 और यहाँ प्लस 5 होगा। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा से। 24 से 48 हो रहा है गुना 2 और 48 से 51 + 3 और यहाँ पर गुना 4 हो रहा है 51 × 4 = 204 और यहाँ से फिर 5 बढ़ रहा है 209 और 209 से यहाँ गुना 6 होगा 1254। हाँ देखिए यहीं पर रहिए साथ में, देखिए क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत अच्छा, अरे बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पर खड़ा होने के लिए, है कि नहीं, हाँ बना लिया, देखिए हम समझा रहे हैं साथ में, ये क्या सोचे, ये सोचे ना कि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं, हाँ सर, क्योंकि डबल टिबल होगा तो इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा है, तो जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या सोचे इनटू, तो इसका मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनटू 2 हो गया, लेकिन यहाँ डिफरेंस कम है कि नहीं, डिफरेंस कम होगा तो क्या बोले प्लस, तो सोचिए कितना प्लस हो रहा है, 3। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ 2 यहाँ 3 लेकिन यहाँ इनटू है यहाँ प्लस है, फिर बोलेंगे देखिए यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो गया कि नहीं, डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो इनटू होगा कि प्लस होगा, इनटू होगा, तो कितना गुना है, बोलेंगे देखिए अच्छा से देखेंगे तो 4 गुना दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखे इनटू 4 तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि गुना 2 प्लस 3 गुना 4 फिर प्लस 5, देखिए प्लस 5 का मतलब क्या है, देखिए 5 ही बढ़ रहा है, जब प्लस 5 हो गया इसका मतलब आगे क्या होगा, इसको देखिए पहले इनटू प्लस तो आगे क्या होगा इनटू, इसका मतलब 2, 3, 4, 5 आगे क्या होगा, समझ में आया, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए इसके लिए। ये भी जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर पूछा या पीछे सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए, लेटेस्ट सारा पूछा हुआ है, SSC CGL CHSL CPO ऐसे सारे पेपर में पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब आप जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, समझ गए, जैसा कि अभी आप हम बोले थे जो सॉल्व करेगा पहले उसको मौका मिलेगा, तो अभी सबसे पहले सॉल्व कौन किए हैं, सोनू, तो आइए सोनू, अब सोनू आप लोगों को बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लाना है कि नहीं, जो जो पहले सॉल्व करेगा उसको मौका मिलेगा, चलिए सोनू बताएंगे, लीजिए सोनू आराम से एकदम आराम से बताना बिना डरे, ठीक है, बिना डरे, समझ गए, आराम से लीजिए बिना डरे, सबसे पहले हमें यह देखना है कि नंबर सिस्टम यह गुना हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है पर कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पता चले कि यहाँ गुना हो रहा है, सबसे पहले गुना हो रहा है मतलब 20 से देखेंगे नहीं कि ना कि पहले से, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 × 4 + 1 24 और 1 = 25 हो गया, ठीक है, यहाँ से 25 चल गया, फिर 25 × 3 = 75 + 1 ठीक है, 3 × 3 + 1 ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ छोड़ दीजिए, अब यहाँ नहीं दिखना, पीछे आ जाइए कदम, तो यहाँ से एक गुना, अच्छा पीछे क्यों चल गए बताइए तुम, यहाँ पता चला कि सीरीज कैसा है, आगे कहीं नहीं गए, यहाँ पता चला कि सीरीज कैसा कैसे बढ़ रहा है, यहाँ से मतलब जानने के लिए पता कर रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग था ना, मिसिंग था, यहाँ पर हमको आइडिया नहीं पता लगेगा, इसलिए हम क्या किए कदम पीछे चल गए, तो 1 × 5 + 1 6 हो गया, आप बताइए एक बात पूछेंगे आराम सुनिएगा, आप यहाँ पे 5 क्यों कर दिए, तो यहाँ से 5 की इसलिए कि 5, 4, 3 अब यहाँ 2 + 1 करेंगे तो 76 × 2 हो गया आपका 212
152 प्लस एक, तो 152 प्लस एक 153। अब यहाँ से फिर दो गुना करेंगे, सॉरी गुना एक प्लस एक, तो 154 प्लस सॉरी आराम से एकदम घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना ना, आराम से बनाइए। 153 प्लस एक तो हो गया हमारा 54, मतलब ये सीरीज हमारा सही है, मतलब 153। एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मतलब नंबर सिस्टम बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, या कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है तो गुना, कम बढ़ रहा है तो प्लस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा बढ़ा मतलब गुना, सबसे पहले 20 से थे गुना हो रहा है इसलिए 20 से, ठीक है। तो गुना यहाँ पर देख सकते हैं 6 × 4 = 24 प्लस 1 = 25, ठीक। फिर यहाँ से 25 × 3 = 75 प्लस 1, ठीक ठीक। अब यहाँ हम लोग यहाँ पर पता नहीं हमको कि सीरीज में क्या है, कौन सा सीरीज में, तो सीरीज चेक करेंगे हम लोग एक कदम पीछे फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक। तो 1 × 5 = 5 प्लस 1 = 6, तो यहाँ से हम लोग सीरीज पता चल गया, 5 × 5 = 1 × 4 = 1 × 3 = 1, तो यहाँ × 2 = 1, तो 76 × 2 = 154 और 154 समझा दिया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जिससे पहले बनेगा उसी को मिलेगा मौका है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, फिर से आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से कोशिश कीजिए बना लीजिए, उसके बाद मैच कीजिए आंसर, तब मज़ा आएगा कंपटीशन, है कि नहीं। जैसे कि हम बोले जो सबसे पहले बनाएगा उसको आके सॉल्व करने का मौका मिलेगा, तो फिर से हम लोगों के बीच में कौन आएंगे सॉल्व करने के लिए, रोहित आइए रोहित फटाफट। बहुत जल्दी आंसर दे दिया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए। लीजिए रोहित धूम मचा दीजिए। लीजिए फिर से मौका मिला आपको इन लोगों को समझाने पढ़ाने का। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, सर सीरीज जब जोर से बोलिए थोड़ा, सर सीरीज जब सब बढ़ रहा था ना, ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसीलिए इंटू करना पड़ेगा, सीरीज जब ज़्यादा बढ़ेगा तो इंटू कर, कम बढ़ेगा तो प्लस, समझ में आ रहा है। चलिए तो 7 × 21 तो × 3 बोलिए बोल के थोड़ा, हाँ × 3 और प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे 7 से गुना किए 3 × 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23, सही है। आगे हो रहा है सर, तो × ही हो रहा है, 23 × 2 = 46, ठीक। × 2 और −5, हाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए क्या हो गया, × 23 × 46, लेकिन ज़्यादा हो गया तो कम करना पड़ेगा 5, ठीक है। आगे देखिए फिर यहाँ पर सर इंटू से ज़्यादा बढ़ रहा तो इंटू थ्री चढ़तिया माने चढ़तिया 12 120 और 3 123, हाँ और प्लस 2, हाँ ठीक बोले। यहाँ भी ज़्यादा बढ़ रहा तो 41 × 3 = 123 और 2 जोड़ेंगे तो 125, सही है। हाँ, तो पैटर्न समझ में आ रहा सबको, क्या दिख रहा है यहाँ पे बताइए पैटर्न आप, × 3 + 2 उसके बाद सेकेंड × 2 −5 फिर × 3 + 2, तो पैटर्न दिख रहा है, अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं, × 3 + 2 × 2 − 5 × 3 + 2, तो आगे क्या होगा आप लोग खुद बोलिए, यही ना होगा, तो कर दीजिए खत्म हो गया, तो × 2 −5 125 × 250 और −5 245 लिख दीजिए, लिख रहे हैं पूरा एकदम सीख गया है, थोड़ा और थोड़ा सा मेहनत करें तो बस हो गया काम, क्या बोलिए समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत है नहीं सर। तो कैसे सोचना है, एकदम सिंपल तो है, रास्ता बता दिए हैं कि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंटू, कम बढ़ रहा है तो पहला वाला देखिए समझिए, पहला मिसिंग नंबर नहीं ना, उसी लिए हम आगे इधर नहीं सोचे ही नहीं, पहला सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए इसी को देखिए, इसी को समझ में आ जाएगा, 6 × 12, हाँ सर इसको ही देखिए पैटर्न, पहले यहाँ इंटू देखिए × 3 और +2 हो रहा है ना, तो यहाँ पर × 2 करेंगे, हाँ और +7 × 5 = 12 माने 5 −5 है यहाँ पर। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं हम बता दे रहे, अच्छा से सुनिएगा ध्यान, आप जैसे ये पैटर्न पकड़े ना कि × 3 + 2, आगे पैटर्न पकड़े कि × 2 − फिर क्या दिखा आपको × 3 + 2, तो आगे क्या दिखाई दिया, ये जो पैटर्न है वो अल्टरनेट चल रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ × 3 + 2 मतलब × 3 फिर × 2 × 3 × 2, तब आगे में क्या होना चाहिए × 2, तो जब × 2 होगा तो उसके साथ में क्या आएगा माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बार बार आपको इतना मेहनत नहीं करना, पैटर्न को एक बार देख लेना उसके अकॉर्डिंग लिख देना, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 14 नंबर, देखते कौन जवाब दे पाते हैं। रोहित और सौरभ दोनों एक साथ दे दिए, तो इस बार दोनों को बुलाएंगे,
सॉल्व करेगा एक आदमी, दूसरा देखेगा सही बना रहा गलत है कि नहीं। आइए दोनों आ जाइए फटाफट, आप लोग देखना सही बता रहा है गलत बता रहा है कि नहीं। एक्सप्लेन कौन करेगा इस बार? सोनू एक्सप्लेन करेगा क्या? लीजिए एक्सप्लेन करेगा सोनू, और आप देखिएगा कि सही बता रहा है गलत, और जहाँ गलत बताएगा उसको बोलिएगा बीच में। लीजिए चलिए आप इधर आ जाइए, आप उसको देखिए खड़ा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि बोलना है थोड़ा, सबसे पहले यहाँ सीरीज देखना है, सीरीज यहाँ पर चल रहा है 35 और 35 है, तो यहाँ सबसे पहले देखना है, तो यहाँ यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं गुना एक, मतलब एक गुना है तो गुना एक किए, फिर 35 से 33 मतलब दो घट रहा है तो -2 ठीक हो गया, फिर यहाँ से 33 तिया मतलब एक गुना 3 हुआ ठीक। अब यहाँ फिर देख रहे हैं यहाँ से कितना घट रहा है, 4 घट रहा है तो -4 ठीक। अब यहाँ सीरीज पर चल गया, देखिए 1 2 मतलब एक जो गुना कर रहे हैं 2 घटा रहे हैं, गुना 3 कर रहे हैं -4 घटा रहे, तो 1 3 यहाँ तो मतलब 5, यहाँ 5 गुना है इसका देख लेते हैं, तो गुना 5 करें तो 475 आ जाएगा देख लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ 2 हुआ यहाँ 4 हुआ, इसमें इसका मतलब 475 में 6 घटा देंगे, सीरीज पर चल गया तो 469 आ जाएगा, 469 आ जाएगा हमारा आंसर। आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार अच्छा से, आप भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा इसको दिखाइए आप, वहाँ जाइए दे दीजिए आराम से, देखिए चलिए सॉल्व कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए एक्सप्लेन पहले पहले सीरीज देखना है कि कितना मैंने क्या हो रहा है, मैंने ये तो बढ़ रहा है और घट रहा है, ये तो अल्टरनेट वाला है, तो इसीलिए 35 × 35 एक बार गुना किए तो 35 ही आया, फिर देख रहे घट रहा है तो कितना घट रहा है तो -2, तो इससे पता चल रहा है कि मैंने सीरीज तो 1 2 3 4 5 ही चल रहा है लेकिन एक जगह गुना और एक जगह माइनस हो जा रहा है बस, तो यहाँ पर देख रहे कितना 2 घटा, उसके बाद 33 या 99 × 3 तो अब 4 ऑटोमेटिक 4 घटेगा ही घटेगा, कहीं सीरीज ही चल रहा था तो 99 में 4 घटाएँ तो 95, और अब 5 गुना होगा तो 95 × 5 475, और उसके बाद अब 6 घटेगा ही, ऑटो ये तो बोले अल्टरनेट चल रहा तो एक तो माइनस होगा तो 475 में -6 तो 469 ये वाला आंसर सही। समझ में आया इसको? गजब समझा रहा है, नहीं लगता हमको घर जाना पड़ेगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है, हम लोग सीखे हैं सीरीज बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है बढ़ेगा तो प्लस या इनटू दोनों डिफरेंट देखना है कि प्लस इनटू कब होता है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है क्या कम बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है इनटू हो सकता है, डिफरेंस भी ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग है कि नहीं, क्या कर सकते हैं आइए डिफरेंस लेके देखते हैं। पहले इनटू देखिए, इनटू देखेंगे ना तो इनटू मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इसको इनटू करेंगे तो 48 × 96 जो इससे बहुत दूर हो जा रहा है, इनटू करने पे इससे बहुत दूर हो जा रहा है कि नहीं, हम बोले थे इनटू होगा तो 1 2 3 इतना ही डिफरेंस रहना चाहिए, 4 ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है इसलिए इनटू नहीं हो रहा। नहीं सर पहले मतलब ले लीजिए अंतर, उसके बाद इनटू कर दीजिए हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? अच्छा देखते हैं वो वाला पैटर्न बाद में यूज करेंगे, पहले जो हम कह रहे हैं वो सुन लीजिए ठीक है, हम लोग जो सीखे उसी पे फॉलो कर रहे हैं। क्या बोले कि यहाँ पे देखे तो लग रहा है इनटू नहीं हो रहा, इनटू होने का मतलब क्या था कि इसके नज़दीक पहुँच जाना, यहाँ देखने से लग रहा है इनटू हो रहा है, यहाँ देखने से लग रहा है इनटू हो, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए तो कहे थे कि बीच में ही देखना है कि नहीं, इसका मतलब डिफरेंस लेते हैं, बताइए इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 16, यहाँ का डिफरेंस 24, यहाँ पे 32, यहाँ पे पता नहीं है और यहाँ भी पता नहीं है। अब आप देखिए आप कुछ देखेंगे, अगर यहाँ पे 8 बढ़ रहा है तो यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 आ रहा समझ में, यहाँ कितना बढ़ रहा है 8, यहाँ पे 8 तो यहाँ भी कितना होगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 40 होगा और 40 इसमें जोड़ेंगे तो 120, जब यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए, यहाँ 8 होगा तो कितना होगा 48 और 120 में 48 जोड़ेंगे तो 168, इसका मतलब मेरा बिल्कुल सही आंसर है कितना 120, समझ में आ रहा है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हाँ कहाँ इनटू होता है कहाँ प्लस होता है, किसी को दिक्कत ही ना है। चलिए अब हम लोग अगले दिन सीखेंगे बाकी क्वेश्चन, अगले दिन कंप्लीट कर देंगे इसको ठीक है, चलिए।